सो हे गाइज, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे हो। आखिर उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छी होगी एंड आगे भी अच्छी रहना एंड मेरी वीडियो को ऐसी सपोर्ट करते रहना। तो हे गाइज, तुम लोगों का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड आज की इस न्यू वीडियो में हम पोकेमॉन जर्नीज के सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं कुछ मर्चेंडाइज जो कि डॉन से निकल के आते हैं, कि डॉन की रिटर्निंग कौन से एपिसोड में और कब होने वाली है, और बात करने वाले हैं ग्रुकी के ट्रेनर के बारे में, यानी कि ग्रुकी को कौन कैच करने वाला है और ग्रुकी गो और एश के साथ कैसे मिलने वाला है, और कुछ गेमर्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। तो वीडियो का अंत तक देखना और आप सभी इन न्यूज़ों के बारे में जानने के लिए। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। एंड लाइक भी कर देना, क्योंकि एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। And I know you keep asking me flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ग्रुकी का मिलन हमारे एश एंड गो के साथ कैसे होने वाला है और ग्रुकी को कौन कैच करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ग्रुकी हमारे गो के साथ कैसे मिलने वाला है। तो देखो, होता क्या है कि एक रात हमारा गो सोने वाला है, और सोकर जब वो सुबह उठता है तो उसके जो बैड है उसके पास हमें ग्रुकी देखने को मिलता है। यानी कि भाई, क्या स्टोरी में ट्विस्ट आया है कि सुबह जब तुम सोओगे शाम को तो तुम्हें सुबह कुछ भी देखने को मिल जाएगा। एंड तुम लोग देखो, रियलाइज़ करो रियल थिंग में कि क्या पोकेमॉन में कुछ भी हो रहा है। तो भाई, ऐसा ही होने वाला है। और ये जो ग्रुकी एक लॉस्ट पोकेमॉन होने वाला है, यानी कि ये किसी भी ट्रेनर का पहले से पोकेमॉन था और अब ये लॉस्ट हो चुका है, जो हमारे गो के साथ मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कुछ पोस्टर्स के बारे में और बात करेंगे कि आखिर इसे कौन कैच करने वाला है। तो देखो, बेसिकली काफ़ी सारे पोस्टर्स में ग्रुकी को एक लॉस्ट पोकेमॉन यानी कि एक लॉस्ट चाइल्ड के नाम से बुलाया गया है। तो सच में एक लॉस्ट पोकेमॉन होने वाला है किसी भी ट्रेनर का, और एश एंड गो पहले मदद करने वाले हैं इसके ट्रेनर को ढूंढने के लिए, और बाद में ना मिले इसके ट्रेनर और ग्रुकी उस ट्रेनर को एक्सेप्ट ना करे तो भाई इसे कौन कैच करेगा। तो सबसे पहले जस्ट प्रेडिक्शन, अगर इन पोकेमॉन के पोस्टर्स के अगर हम ले इनके ऊपर की बात करेंगे, इन पोस्टर्स पे अगर क्या बात लिखी हुई है। एंड तो देखो यार, सबसे ज़्यादा रियलाइज थिंग तुम इस पोस्टर पे करना कि इस पोस्टर में हमें ऐसे ज़्यादा यानी कि ऐसे ज़्यादा गो के पास ग्रुकी दिखाई दे रहा है। यानी कि भाई, प्रेडिक्शन कर देंगे इसे कैच तो दोनों में से कोई एक करेगा, बट देखो तुम लोग रियलाइज़ करो खुद की ग्रुकी गो पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एंड आई एवरीथिंग कि जिसका ध्यान जिस पर ज़्यादा होता है तो सच में वो उसे पसंद करता है। एंड यही होने वाला है कि भाई ग्रुकी को हमारा गो ही कैच कर सकता है। जस्ट थिंग, ये प्रेडिक्शन है कि कर सकता है, भाई कंफर्म नहीं है कि करेगा। तो भाई ये होने वाली है ग्रुकी की बैक स्टोरी। तो अब काफ़ी पोकेमॉन फैंस की रिक्वेस्ट थी कि भाई डॉन पे कुछ बनाओ एंड डॉन पे बनाओ, कोई डॉन रिटर्न होगी या नहीं होगी सीज़न 13 के बाद में डॉन का नामो निशान नहीं है, हकी कहीं भी डॉन हमें देखने को मिली या सीज़न 14 के बाद में। तो देखो, अब बात करते हैं डॉन के बारे में। तो रियलाइज़ तुम लोग थिंक करोगे कि पोकेमॉन की जो पर्ल एंड डायमंड वाली गेम है, यानी कि सीज़न 13 के बेस पे जो गेम थी, उसका जो रीमेक होने वाला है। एंड सच में मैं बताना चाहता हूँ कि इस गेम में रीमेक होने वाला जो डॉल है वो डॉन होने वाली है। यानी कि डॉन एक डॉल है, उसके मर्चेंडाइज भी आने वाले हैं। एंड अगर उस मर्चेंडाइज को यानी कि तुम लोगों को सेल चीज़ करनी है, जैसे बीब्लेड का हम एग्जांपल लेते हैं, तो बीब्लेड की जो बस्ट सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसके अंदर हमें बीब्लेड को इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके जो बीब्लेड मर्चेंडाइज है वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। और वैसे भी पोकेमॉन के अंदर होने वाला है कि जो डॉन के मर्चेंडाइज हैं वो हमें काफ़ी सारे एनिमे के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर डॉन देखने को मिलेगी तो उसके मर्चेंडाइज भी काफ़ी ज़्यादा बाई होंगे। और अगर गेम को अगर प्रमोट करवाया गया, यानी कि प्रमोट इंट्रोड्यूस किया गया एंड थोड़ा बहुत प्रमोशन किया गया एनिमे के साथ में, तो रियलाइज थिंग इस गेम काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाली है। एंड हिट तो क्या हो गया यार, इसके ग्राफिक्स बड़े बेकार हैं। तो भाई पॉसिबिलिटी बनती है 90 से 99 तक, यानी कि पूरा 1% में मैं अभी भी ड्रॉप करता हूँ कि भाई डॉन रिटर्न हो सकती है, बट कंफर्म नहीं है कि वो रिटर्न होगी। एंड बात करते हैं हम थोड़ी बहुत गेमर्स न्यूज़ के बारे में, कि अगर गेमर्स न्यूज़ चल रही है तो भाई पोकेमॉन का एक न्यू गेम आने वाला, पोकेमॉन द आरसीएस, और वो गेम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये गेम सबसे बेस्ट गेम होने वाला अभी तक पोकेमॉन के आए जितने भी स्वॉर्ड एंड शील्ड से, क्योंकि जो इसके ग्राफिक्स होने वाले हैं, जो इसका गेम प्ले होने वाला है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एंड मैं रियली बता दूँ कि जो पोकेमॉन सीजन 13 बेस्ट गेम का रीमेक है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन
ग्राफिक्स होने वाले हैं, यानी कि स्वॉर्ड एंड शील्ड से भी बेहतरीन ग्राफिक्स होने वाले हैं। और ये गेम लॉन्च होने वाले 2021 में, यानी कि इस साल ही लॉन्च होने वाली है, ये लास्ट के दिसंबर तक। तो गेम भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बट ये गेम लॉन्च होने वाली है निंटेंडो डिवाइसेस के लिए। तो भाई आप सब एंड्रॉयड वाले गेमर्स नहीं खेल सकते, बट आप मज़ा ले सकते हो देख के। ट्रेलर आपको गेम देखनी है और क्या करना है उससे ज़्यादा। तो भाई किसी ऑडियंस को अगर ये गेम पसंद आए तो भाई निंटेंडा चाहिए होगा, तो भाई वो आप सब मैनेज कर लेना अगर आपको चाहिए तो। तो चलिए फिर अब बात। आज के अपडेट्स इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए, क्योंकि आप सभी को ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। और मेरे को बताना कि अगर आपको कोई वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इम्प्रूव चाहिए वीडियो के अंदर, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका सपोर्ट बनाए रखना हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ये चैनल चल रहा है। अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा तो भाई दिल से शुक्रिया एंड ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो बाय बाय, ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय वंदे मातरम।